नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम पे, ट्रिक के बारे में, क्वांटम केमिस्ट्री पे। तो देखिए, इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन को आप, ट्रिक को समझने के बाद उस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करोगे। पहले सॉल्यूशन को नहीं देखोगे, ट्रिक को अच्छे से समझो, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता है फिर आप सॉल्यूशन देखोगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। पहले हम बात करते हैं, अगर किसी ऊपर ये कैप का साइन लगा हो तो हम उसको बोलते हैं ऑपरेटर के लिए साइन होता है ये। तो इसको मैं बोलूंगा ये पोजीशन वेक्टर। और पी एक्स किसके लिए है? लीनियर मोमेंटम इन वन डायरेक्शन, मीन्स एक्स डायरेक्शन में। अगर टू डायरेक्शन में होता तो एक्स और वाई दो कंपोनेंट में लिखते हैं हम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, यहाँ इसका लिए जो फॉर्मूला होता है उसको क्या बोलते हैं? माइनस आयोटा एच कैट कर्ली अपॉन कर्ली एक्स। ये पी एक्स का क्या है? फॉर्मूला। मतलब अगर हमें किसी का लीनियर मोमेंटम निकालना हो कि हमें कोई फंक्शन दे दे, तो हम उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए, अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू पी, मीन्स आर पोजिशन वेक्टर के लिए लोगे, पी क्या लोगे? लीनियर मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। अब देखिए, अगर ये आपको अगर नहीं समझना है जो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, डायरेक्ट अगर ट्रिक देखनी है तो आप 2 या 2 मिनट की वीडियो स्किप करके देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका रिजल्टेंट आर है, मीन्स ये आई और है ये जे डायरेक्शन में। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, आर को अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसी तरह मैं पी को लिखता हूँ पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। मान लीजिए मैंने ये आर और पी को डिनोट कर दिया। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर आपने जैसे मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट वगैरह सोल्व किया होगा, तो उसमें हम ये करते हैं, अगर हमें एल इजिक्वल टू आर इंटू पी करना है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ आई माइनस जे और के, ठीक है दोस्तों। एक्स वेरिएबल, इसका वाई और यहाँ जेड, यहाँ पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन इस पे, अब इसको डिटरमिनेंट जब सोल्व करेंगे तो हमें पास क्या मिलेगा? आई बाहर, मतलब इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास? आई इंटू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, माइनस का जे क्या होगा? इसको छोड़ दीजिए, इसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स साथ में क्या मिलेगा? पी जेड माइनस जेड पी एक्स। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो ट्रिक जरूर है, एक बार आप सीखना। तो उसके बाद देखिए, के लिए क्या बनेगा? एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो अब ये हमारे पास सोल्व करने के बाद, अब मैं बोलता हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ एल एक्स, इसको बोल रहा हूँ एल वाई, इसको बोल रहा हूँ एल जेड, ठीक है दोस्तों। अब ये जो मैंने बताया है कि एल जेड एल एक्स, हम इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन के टाइम हमें इतना सोल्व तो नहीं करना और इसको याद रखना भी आसान नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ट्रिक कब कैसे यूज करते हैं, देखिए। अब देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार बाद में, आप स्टेटमेंट को बाद में देखना, पहले एक बार जैसे क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना वो देखिए। मान लीजिए आपको एल जेड ऑपरेटर निकालना है, या एल वाई ऑपरेटर निकालना है, या एल एक्स ऑपरेटर निकालना है, तो उसके लिए पहले आप याद रखिए एल एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर एक्स फिर वाई, इस पैटर्न को याद रखिए और इस साइड से इस साइड मूव कीजिए, ठीक है दोस्तों। मेनली ये जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, इसका यूज होता है हम जब कम्यूटेटर्स पढ़ते हैं। इसके बाद मैं वीडियो के एंड में आपको कम्यूटेटर एंगुलर मोमेंटम पे कम्यूटेटर के क्वेश्चन दूंगा, अगर वो क्वेश्चन आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उनके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम कम्यूटेटर्स को सोल्व करेंगे, जो कम्यूटेटर बेस्ड कम्यूटेशन पे बेस्ड इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सोल्व होते हैं। तो अब देखिए, हाँ, एल जेड की बात करते हैं, अगर हमें एल जेड निकालना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पोजिशन इंटू मोमेंटम आर इंटू पी। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके पास एल जेड है, तो आप क्या करोगे, एल जेड इज इक्वल टू सबसे पहले लिखोगे पोजिशन जो भी है, मान लो जेड का पूछ रहा है तो जेड के बाद क्या आता है, एक्स, ठीक है दोस्तों। और साथ में बच गया क्या, हमें एक मोमेंटम लिखना है, वो वाई का लिख दो पी वाई, माइनस का साइन लगाओ, ये जो वाई है इसको यहां पोजिशन की जगह लिख दो वाई, और एक्स को क्या लिख दो पी एक्स।
अगर इतनी बात समझ आ गई आपको कि हम पहले पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, अगर मान लो एल जेड लिखना है तो एक्स, जेड के बाद क्या आता है एक्स पोजीशन, उसके साथ मोमेंटम किसका रखोगे दूसरे वेरिएबल का जो बच गया पी वाई, क्योंकि जेड का लिख रहे हैं एक्स पोजीशन में आ गया, वाई मोमेंटम में आ गया। अब उल्टा कर दो, वाई को पोजीशन बना दो, एक्स वाले वेरिएबल को क्या बना दो मोमेंटम। इसी तरह एल वाई का निकालिए, यहाँ क्या बचेगा जेड पी एक्स माइनस, अब देखिए इस एक्स को क्या बना दो पोजीशन और जेड को सॉरी पी जेड। ठीक है दोस्तों, एल एक्स का निकालना है तो क्या करना है, एल एक्स के बाद वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, बस यही आपको देखना था। देखिए अगर बात आती है कि अब हम इसमें कॉमन देखें, तो बात हम ये कर रहे हैं कि जिसका भी हम निकाल रहे हैं मीन्स एल जेड का निकाल रहे हैं या एल वाई का या एल एक्स का, तो उसके अंदर वो वेरिएबल नहीं आ रहा, मीन्स जेड के लिए निकाल रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक्स वाई आएगा और वाई जेड एक्स आएगा, जेड आएगा और एक्स आएगा, एक्स के लिए निकालोगे तो क्या निकालोगे तो क्या आएगा वाई और जेड। अब देखिए आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2013 के अंदर, और इसको आप कैसे सोल्व करते हो, सबसे पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, पहले इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए कि आप कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को कीजिए, अगर नहीं होता तो आप सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल वाई इज, आपसे पूछा हुआ था, चार ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो अब देखिए मैंने एक बात बोली थी कि जिसका भी हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपको एल वाई दिया हुआ है कि एल वाई फाइंड आउट करना है, तो जिसका निकाल रहे हैं उसका वेरिएबल हमें नहीं मिलने वाला, सिंपल सी बात यह है। तो एल वाई के लिए आप क्या एलिमिनेट करोगे, इस ऑप्शन के अंदर वाई आ रहा है, यहां वाई आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर वाई नहीं है, इसके अंदर वाई नहीं है, बी और सी के अंदर वाई नहीं है, और जेड के जो डी ऑप्शन है उसके अंदर भी क्या है वाई है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी आप कर दीजिए एलिमिनेट, कि इन दोनों में से ऑप्शन में से आंसर है होगा नहीं। अब हमने तो डायरेक्ट ये पढ़ा था कि एल वाई क्या होगा जेड पी एक्स और माइनस एक्स पी जेड होगा, पर इसमें तो आयोटा भी आया हुआ है, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि देख, तो इसके लिए अब हम देखिए हम क्या लिखते हैं, एल वाई के लिए हम लिखते हैं एक्स वाई जेड और एक्स वाई, तो एल के बाद जेड आ रहा है तो क्या करोगे पहले जेड और उसके बाद मोमेंटम के लिए क्या लिखोगे पी एक्स माइनस इसको एक्स और पी जेड। अब देखिए ऑप्शन में हमें यहाँ आयोटा वगैरह आ रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी एच पोन आयोटा, यहाँ एच पोन आयोटा है और यहाँ माइनस आयोटा है, तो अब इसने क्या किया सिर्फ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट कर ली अपोन कर ली एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ, तो क्या लिखोगे आयोटा माइनस का एच कट कर ली अपोन कर ली एक्स माइनस एक्स और माइनस का आयोटा एच कट कर ली अपोन कर ली जेड। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या होगा इसका, मान लीजिए आप इसको अगर ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ जेड कर ली अपोन कर ली एक्स और यहाँ प्लस का हो जाएगा, उसके बाद माइनस बाहर लोगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स कर ली अपोन कर ली जेड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस ऑप्शन में देखिए हमारे पास आयोटा एच कट है माइनस का और यहाँ एच अपोन आयोटा है, तो क्या करोगे आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आयोटा से डिवाइड कर दीजिए, क्या बनेगा माइनस आयोटा स्क्वेयर एच कट जेड, अंदर वाली टर्म सारी सेम रहेगी कर ली अपोन कर ली जेड और नीचे आयोटा। अब आयोटा स्क्वेयर क्या होता है माइनस वन, तो अब पहले से माइनस है और आयोटा स्क्वेयर का हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वन, तो ये पूरी टर्म किस में कन्वर्ट हो गई प्लस वन में, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा एच अपोन एच कट अपोन आयोटा और बाकी क्या रहेगा जेड अपोन कर ली एक्स, ये वाला होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑप्शन इसका बी ठीक है, सिर्फ ऑप्शन को मैच करने के लिए हमें आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करना था। अब देखिए जो क्वेश्चंस कम्यूटेटर्स के हैं, आपको अगर ये ऑप्शंस क्वेश्चंस होते हैं आपसे तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो मुझे बताइए मैं इसको ट्रिक के द्वारा कैसे सोल्व करेंगे कमेंट सेक्शन में, कि इनके लिए नई कोई अलग से वीडियो एक और बनाएंगे उसमें देखिए यहाँ क्या होगा। मान लीजिए आपको ये दे दिया कम्यूटेशन एक्स एल वाई एल जेड, इनकी वैल्यू क्या होगी एल जेड इंटू जेड एल एक्स एल जेड इस टाइप से, और यहाँ एक्स पी एक्स भी हो सकता है एक्स स्क्वेयर पी एक्स इनकी। अगर ये कम्यूटेशन के क्वेश्चन आपको आपसे होते हैं तो अच्छी बात है, वरना अगर नहीं हो रहे
तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इन पे भी हम वीडियो बताएंगे कि कमेंट कि इसको ट्रिक के साथ आप कैसे सोल्व करोगे। क्योंकि अगर हमें CSI या नेट के एग्जाम को देखते हैं तो वहाँ क्या है, टाइम की सबसे ज़्यादा कमी, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं 120 के अराउंड, और उन क्वेश्चंस को अगर हम हर क्वेश्चन को पढ़ने में भी अगर टाइम दे 30 सेकेंड्स का, तो भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं CSI नेट एग्जाम पेपर को ऐसे ही सेट किया होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो लेस देन 10 सेकेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।